रोज पीते हो? मैं रोज पीता हूँ, रोज तो ऐसा होता नहीं है। उस दारू में गड़बड़ है, वो ऐसा हुआ, इसमें कुछ मिलाया होगा इसमें। गुजरात में शराबबंदी की सच्चाई आई सामने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे गुजरात। बीजेपी शासित राज्य गुजरात से हैरान कर देने वाली खबर पर अफरा तफरी मची हुई है। आरोप है गुजरात के बोटाद जिले में जहरीली शराब पीने के कारण लोगों की हालत इतनी खराब हो गई कि उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों की संख्या 28 बताई जा रही है, जो कि पहले 18 के करीब थी। इस खबर ने पूरे देश के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, जिस पर विपक्ष से लेकर जनता की अलग अलग राय देखने को मिल रही है। न्यूज 24 की रिपोर्ट के मुताबिक शराब का सेवन करने वाले लोग मजदूर हैं, जिन्होंने रिपोर्टर को बताया कि वो रोजाना शाम को शराब पीते हैं, लेकिन कभी इस तरह से तबीयत खराब नहीं हुई, वो भी ऐसी कि बहुत से लोगों की मौत हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि शराब में कुछ मिलाया गया है, जो कि जांच का विषय है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी भावनगर के अस्पताल में मरीजों से मिलने पहुंचे और उनका हाल जाना। केजरीवाल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से ट्वीट करके कहा, गुजरात में जहरीली शराब ने हाहाकार मचा दिया है, 28 से अधिक लोगों की जान चली गई है। आज मैंने भावनगर अस्पताल जाकर पीड़ितों से मुलाकात की, ईश्वर से सबके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। शराबबंदी वाले गुजरात में लोगों को कौन पिला रहा है जहरीली शराब? अशोक शेखावत नाम की ट्विटर यूजर ने लिखा, गुजरात में जहरीली शराब से मरने वाले लोगों का आंकड़ा 28 हो गया है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ना तो कोई संवेदना प्रकट की और ना ही श्रद्धांजलि। इन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? क्या यही गुजरात मॉडल है? गुजरात में विपक्ष के नेता जिग्नेश मेवानी ने दावा किया कि गुजरात की भाजपा सरकार पुलिस और बुटलेगर्स की साठगांठ से गुजरात के हर जिले और तहसील में खुलेआम शराब बिक्री हो रही है। जांच के लिए SIT का गठन किया गया है। दिखावे के लिए कुछ कांस्टेबलों को सस्पेंड किया जाएगा। सरकार और IPS जिनके आशीर्वाद से सब चल रहा है, उनको कुछ नहीं होना है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, ताकि देश प्रदेश से जुड़ी हर वायरल न्यूज आप तक पहुंचती रहे।